तो वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस, स्वागत है फिर से आज मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं सूरज गुप्ता आपको स्वागत करता हूँ सूरज ब्लॉग में। तो आज का देखिए क्या सिस्टम चलता है। तो आज तो हमारा हो गया फेस पे लगाए हुए कम से कम एक हफ्ते, तो मैंने सोचा चलो आज फिर से वापस फेस पैक बनाते हैं और फेस पे लगाते हैं। तो चलिए वो दिखाता हूँ, तब तक मैं आपको फेस पैक जो मैं बना के लगाता हूँ अपने चेहरे पर, जिससे चेहरा पे ग्लो आती ही आती है। तो आप कोई क्रीम क्रीम लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेहरे पे फेस पैक लगाएं जो खुद से बनाए, उससे ग्लो आएगी ही आएगी आपके चेहरे पे। आप मेरा देख ही सकते हैं, ऐसा है नहीं कि मेरा नहीं है, आप चाहे तो रियलिटी में भी देख सकते हैं। बिल्कुल ही कोई फिल्टर कोई यूज नहीं है इसके अंदर में। तो प्लीज बाकी सब तो ठीक है, मेरे ब्लॉग को अगर आपको पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे फेस पैक बनाता हूँ और लगाता हूँ। तो ये देखिए मैंने फेस पैक तैयार कर लिया। इसमें कोई खास चीज़ मिली हुई नहीं है, इसमें मैंने मिलाया है एक पूरा नींबू और इसमें मिलाया है मैंने थोड़े से गुलाब जल और बाकी है मुल्तानी मिट्टी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। तो बस इसी को लगाते हैं फेस पे हल्का हल्का, और लगा कर कम से कम 10 मिनट छोड़ने होते हैं, कोई ज़्यादा कोई छोड़ना नहीं होता है, बस 10 मिनट छोड़ के धो लें। हफ्ते में मात्र एक बार ही लगाइए फेस, अपने आप धीरे 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 सोचेंगे कि एक साथ ग्लो आ जाए तो कभी भी नहीं आएगा। तो हल्का 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 धीरे धीरे ग्लो आता है कभी भी हमेशा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं लगा लेता हूँ फेस पैक। वैसे मैंने पिछली बार भी एक बार लगाया था पर बताया नहीं था मैंने कैसे कैसे बना हुआ, इसलिए मैंने सोचा चलो इस बार बता देते हैं कैसे कैसे ये तैयार किया हूँ मैं। तो कोई खास चीज़ नहीं है, बस मात्र गुलाब जामुन एक नींबू और मुल्तानी मिट्टी ही मिक्स है इसके अंदर में। तो चलिए लगा कर फिर आप अभी देख सकते हैं, फिर मैं एक बार धो लूँगा इसके बाद फिर आपको दिखाऊँगा। तो लगा लिया हूँ, थोड़ा 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 और बचा हुआ है। तो चलिए पूरा लगा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कि अपने पास अभी थोड़े और बचे हुए हैं। तो चलो लगाते हैं पूरा। चलिए तो फाइनली कंप्लीट लग चुका है मेरे चेहरे पे। तो बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट वेट करते हैं, वेट करके फिर इसको धो लेते हैं। धो कर फिर नहा धोवा कर एकदम फिट हो जाते हैं तैयार। तब तक के लिए मुँह चलाना नहीं है मुझे, इसलिए चलिए चुप हो जाता हूँ 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुका है, तो अपना कुछ कुछ सूख चुका है, बाकी चले धो लेते हैं, धोकर नहा लेते हैं, ये दुकान भी जाना है तो लेट ना हो जाए। तो मैं नहा लिया हूँ, अब नहाने के बाद आप देख सकते हैं चेहरे का स्किन टोन, तो आपको महसूस हो जाएगा कि चेंजिंग है। 19-20 तो है चेंजिंग, बट ये ज़्यादा चेंजिंग होगा बाद में जैसे जैसे ये थोड़ा सा अंदर होगा, मतलब कि शाम शाम तक ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा ये चेहरे पर। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, मात्र हफ्ते में एक दिन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बाकी के लिए नाश्ते में क्या बनाया। बाकी तो रोज़ की तरह तो हमारा मिल्क शेक तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए बाकी देखते हैं नाश्ते में क्या बनाया, फिर आपको दिखाते हैं नाश्ता अपना और फिर निकलते हैं अपने दुकान के लिए। तो चलिए देखते हैं। यार जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना जब तैयार हो ही चुका हूँ तो एक दो रील शूट कर लेते हैं। तो चलो पहले बनाते हैं अपना एक दो रील। तो आपको ये रील देखने के लिए, मैंने फिलहाल मैं यूट्यूब पर रील अपलोड कर नहीं रहा हूँ, तो आपको ये रील देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम है सूरज गुप्ता 231 ओनली, तो आप देखना हो तो इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा ये रील। तो रील भी बहुत यूनिक शूट करने जा रहा हूँ अभी। तो चलिए बाकी फेसबुक भी सेम टू सेम है, यही है सूरज गुप्ता 231। तो आप जाइए रील देखिए पहले, चलो तब तक रील शूट करते हैं। तो मैंने रील शूट कर लिया है, तो 3 रील हमने शूट किए हैं, तो इसमें से 2 भोजपुरी है 1 हिंदी है। तो इसको देखने के लिए आप जाएँ इंस्टाग्राम या तो फिर और आपको फेसबुक, क्योंकि यूट्यूब पर अभी मैं फ़िलहाल रील अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। तो आपको अगर ये रील देखने हैं तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे जाकर देख लें, तो अपलोड हो जाएगा आज सुबह एक एक शाम को अपलोड कर दूंगा। चलिए दिखाते हैं हमारा खाने में क्या बना हुआ है, तो खाते हैं और चलो निकलते हैं दुकान के लिए। तो चलिए डेली की तरह अपना तैयार है मिल्क शेक के लिए। तो इसमें खजूर बादाम चना काजू ज़्यादा नहीं डालते, काजू में फैट होता है। तो चलो पीसते हैं, इसमें डालते हैं केला और दूध, करते हैं शुरू। तो आज कुछ नाश्ता में अलग आइटम है, छोटे छोटे है अपम। और तपम? अपम। तपम है, तपम। अपम। अपम, अपम और चटनी, अपम और चटनी खाएंगे आज। तो आज खाएंगे अपम और चटनी, बाकी अपना शेक तो तैयार करके रख दिए हैं, तो पहले अपम और चटनी खाते हैं, उसके बाद बाकी अपना है थोड़ा सा और भी सामान है तो दिखाते हैं। तो आज का नाश्ता लग गया है अपना, यह अपम, ये थोड़ा सा मुरमुरा, ये पूड़ी, सब्जी, चाय, चटनी, ये आज का नाश्ता है।
चलिए नाश्ता करते हैं और निकलते हैं अपने दुकान के लिए। देख लिए आज का नाश्ता ये है, तो आज हम नाश्ता करते हैं, चलते हैं दुकान, फिर आपको दिखाते हैं दुकान का। चलिए पहले हम नाश्ता कर लेते हैं फिर। तो चलिए हमने कर लिया नाश्ता, शेक भी पी लिए, चलो अब निकलते हैं दुकान के लिए। तो बस चलिए दुकान के लिए, अपनी गाड़ी तैयार है, तो चाबी मैंने ले लिया है, बस चलो निकलते हैं दुकान, तो आपको दिखाते हैं दुकान पे क्या क्या सिस्टम आप बनती है अपना। तो देखते हैं, आज तो संडे है, हो सकता है ग्राहक आए ज़्यादा, पर फिर भी देखते हैं दुकान पे जाके, थोड़ा काम का टाइम तो अभी है नहीं कोई खास, पर देखते हैं जाके। चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस दुकान तो चला गया, तो दुकान पे ऐसा कोई खास सिस्टम बना नहीं, तो हमने दुकान का वीडियो शूट नहीं किया। तो चलो अभी आ गए हम लोग दिन में जैसे होटल में रात में, तो यहीं पर देखो सिस्टम, तो चलो करते हैं जो पार्टी हो रही है थोड़ी सी, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। मेरा ब्लॉग चालू रहता है हमेशा, ब्लॉग ही हुए ब्लॉग। क्या बात कर रहे हो, कौन सी किसके सपने में आ गए मैं? तो हमारा ब्लॉग चालू रहता है 24 घंटे। सूरज हाँ, यस यस, क्या हाल